नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव CMICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूँ। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि हाल ही में 26 जून को दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे ISA का पूर्ण रूप से सदस्य बनने वाला 100वां देश बना है। जी हाँ, ISA का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां देश बना है यहाँ पर पराग्वे। जी हाँ, हम यहाँ पर समझेंगे कि ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इसकी स्थापना कब की गई। तो ISA की शुरुआत की जाती है यहाँ पर 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान, जी हाँ, पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहाँ पर स्थापना की जाती है। ISA क्या है? तो ISA एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगात्मक मंच है। अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय भारत में और अंतरिम सचिवालय आपको मिलेगा गुरुग्राम। जी हाँ, ISA का अंतरिम सचिवालय आपको गुरुग्राम में मिलेगा। आखिर ISA कौन सा ग्रुप है? तो ISA एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा, जी हाँ, जितने भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी इसके यहाँ पर क्या मिलते हैं, ये सदस्य मिलते हैं। ये सभी यहाँ पर ISA में शामिल होंगे। जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश हैं वो इस ISA में यहाँ पर शामिल है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपको मिलेगा कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना या सोलर एनर्जी के क्षेत्र में क्या लाना है, बदलाव लाना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ISA यहाँ पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बनाया गया एक वैश्विक संगठन है और इसका यहाँ पर पराग्वे पूर्ण रूप से सदस्य बनने वाला 100वां सदस्य है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।